नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली मशाल रैली। डोंगरगढ़ में दही हांडी लूट का हुआ भव्य आयोजन। मिस यूनिवर्स की 70 साल की परंपरा टूटी। दंतेवाड़ा भाजपा युवा मोर्चा ने युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सांकेतिक मशाल रैली निकाली। यह मशाल रैली गिदम के हारम चौक से बस स्टैंड तक निकाली गई, जिसमें राज्य सरकार को संदेश देना था कि युवा अब अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार है। साथ ही 24 अगस्त को रायपुर में वादा खिलाफी के विरोध में रोजगार व बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर में हजारों की संख्या में युवा तरुणाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। और इस प्रदेश व्यापी आंदोलन को सफल करने दंतेवाड़ा से भी युवा मोर्चा के साथी शामिल होंगे। डोंगरगढ़ की वर्षों पुरानी परंपरा दही हांडी लूट का आयोजन भारत भर में विख्यात है। 20 अगस्त को पूरे डोंगरगढ़ शहर में दही लूट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हाई स्कूल ग्राउंड एवं गोल बाजार में भव्य आयोजन किया गया। बता दें, डोंगरगढ़ में लगभग 1918 से गोविंद उत्सव का पर्व होता है, लेकिन 2 वर्ष कोविड के कारण दही हांडी लूट आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष गोविंदा उत्सव को देखने के लिए जिला के कोने कोने से एवं आसपास के ग्रामीण व शहर के लोग पहुंचे थे। इस गोविंदा उत्सव में लगभग 40 से 50 हजार लोग रहे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए शासन प्रशासन ने भी कार्यक्रम स्थल की विशेष निगरानी के लिए टीम गठित की, जिसमें असामाजिक तत्वों की पहचान की जा सके। वहीं पुलिस द्वारा नशीली पदार्थों की सेवन करने वाले गुंडे बदमाश आदतन अपराधियों पर कार्यवाही भी की गई। मिस यूनिवर्स 2023 के पिछले 70 साल से चले आ रहे नियम को खत्म किया जा रहा है। अब शादीशुदा महिलाएं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। आपको बता दें कि अभी तक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 18 से लेकर 28 साल की उम्र तक ही सिर्फ अनमैरिड महिलाएं ही हिस्सा ले सकती थी, जो कि अब 2023 से मान्य नहीं होगा। पेजेंट द्वारा एक इंटरनल मेमो में कहा गया है कि हम सभी लोगों को ये मानना है कि महिलाओं का अपने जीवन पर पूरा अधिकार है। इस पर 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी एंड्रिया मेजा ने इस फैसले को सपोर्ट करते हुए कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिस यूनिवर्स एंड्रिया पर आरोप लगा था कि वह शादीशुदा हैं, जो पेजेंट के नियमों के खिलाफ है। फिर बाद में ये एक गलत फहमी निकली। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।